हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोइस सर्च लेक्चर। और कैसे हैं सभी बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और सभी सेफ हैं। देखिए, आज का जो ये वीडियो है बच्चों, वो हमारा जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसके ऊपर है। उसके ऊपर भी कैसे है वो सारी चीज़ें भी समझिएगा। मैं आपको क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो बताने के लिए नहीं आया हूँ, है ना। बहुत बच्चों के मेरे पास बहुत दिन से कमेंट्स में मैसेज आ रहे थे कि सर, जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या रिड्यूस किया है, क्या हटा दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट अब नहीं आएगा बोर्ड्स में, ये सारे मैसेजेस। लेकिन मैंने इसके ऊपर बच्चों कोई भी वीडियो नहीं बनाई। उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो जो सिलेबस में से कॉन्सेप्ट्स, जो आपके टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो जस्ट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको सीबीएसई की साइट पे भी मिल जाएंगे कि किस टॉपिक, किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक हटाया है। तो उसको अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता बस, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ लिख के दे देता कि हाँ भाई, ये हटा दिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इसीलिए मैंने उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज था। वो तो आप जो है कहीं से भी पीडीएफ उसका डाउनलोड करके, पेज डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आज की ये वीडियो है किस चीज के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैं आज अपनी एक छोटी सी ओपिनियन इस पर रखूंगा, अपना एक सजेशन आप लोगों को दूंगा, बाकी फिर आप लोग कैसे उसको क्या करते हैं उसका वो देखते हैं, जो भी होगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि सीबीएसई ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है इस साल बोर्ड के बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, रिड्यूस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों पे बर्डन है और कहीं ना कहीं बच्चे इस समय जो है ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, तो बच्चों को दिक्कतें भी आ रही थी। उसको देखते हुए, बच्चों के बर्डन को कम करते हुए 30% सिलेबस रिड्यूस किया, बहुत अच्छी बात है, किया। और काफ़ी बच्चे खुश भी हैं कि चलिए सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब हमें थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा और ये होगा। बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं इसके ऊपर कि भैया अब ये मत पढ़िए, अब वो मत पढ़िए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, बच्चे भी खुश हैं। लेकिन बच्चों, मैं इसके ऊपर एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या ये रिड्यूस आपका हुआ है जो सिलेबस, वो आप लोगों के लिए ठीक है? कैसे? अब आप कहेंगे सर ठीक मतलब, समझे नहीं बेटा। ऐसे मान के चलिए, सपोज आप, मैं कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठा लेता हूं कि आपका फोर्थ चैप्टर में से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ले लीजिए, ठीक है। आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट चुका है जैसे मान लीजिए, ठीक है। आपकी अगर आप लें तो मेंसुरेशन में से फ्रस्टम हट चुका है, आपका स्टेटिस्टिक्स में से लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, हट चुका है। मीन जो आप निकालते थे तीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड हट चुका है, ठीक है। ऐसे करके आपका ट्रिग्नोमेट्री में से रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिए हैं, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपका जो थर्ड एक्सरसाइज थी यानी कि 7.3, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप निकालते थे वो भी हटा दिया है, ओके। तो ऐसे करके आपकी बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस किया है। एपी में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हटा दी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से यहाँ पे आज अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए आया हूँ, अपना एक छोटा सा डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, पर्सनल टॉक विद स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें क्या है, कैसे है कि सपोज करते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया है, ये आप सब जानते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। मेरे से आए दिन बच्चे पूछते भी हैं कि सर हटा दिया है तो अब इन चीज़ों को करें या ना करें। देखिए, मैं वीडियो ये वाली बनाता भी नहीं, बट ये बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी है और डिमांड आ रही है इसके ऊपर, इसलिए बना रहा हूँ। वरना मुझे, आप जानते ही हैं, कॉपी पेस्ट का कोई कभी रहा नहीं और टाइम वेस्ट तो मैं कभी किसी का करता ही नहीं हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेरी थी इस चीज़ के ऊपर, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो में बनाता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया, सपोज अब मैं आपसे पूछूं, बच्चों आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है? बच्चे कहेंगे हाँ सर, हमें तो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं आपसे बोलता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिलेबस में भी है, कि बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ करिए। तो बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ कैसे होता है आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मैंने वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ करके दिया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ जो स्टार्ट होता है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही होता है। अब एक बात बताइए, अगर आपने ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं सीखा है तो आप कैसे उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के प्रूफ को करेंगे? अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर अब वो तो एग्जाम में आता ही नहीं है प्रूफ, बोर्ड में करने के लिए। बेटा, बोर्ड में ही तो प्रूफ करने के लिए नहीं आता है,
है ना, बोर्ड में ही तो नहीं आता है। लेकिन क्या इसका मतलब आपको कभी उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि व्हाट अबाउट योर नॉलेज, नॉलेज का क्या, है ना? तो यहां पर आपने ये मेथड नहीं सीखा, इसकी वजह से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो रिडक्शन तो हो गया सिलेबस का, आप आपके ऊपर से बर्डन भी उतर गया, बहुत अच्छी बात है, बर्डन खत्म हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि आपको आधी अधूरी नॉलेज रह गई, आपके जो कॉन्सेप्ट हट गए, अब उसमें से आप कैसे कर पाएंगे? जब आपने बेसिक नहीं पढ़ा या आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट में लगने वाला जो बेस है अगर वही हटा दिया है तो आप कैसे उस चीज को करेंगे? दूसरी चीज, जब आप हायर स्टडीज या आप कह सकते हैं 11 12th में जाएंगे तो बच्चों वहां पे आप इंटीग्रेशन नाम का एक चैप्टर करेंगे, कैलकुलस में आता है। इंटीग्रेशन में जब आप करेंगे तो वहां पे पैटर्न बनते हैं, कुछ पैटर्न्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होता है। अगर ये नहीं आता है तो वो पैटर्न आपसे नहीं हो पाएंगे। देन आप क्या करेंगे उस टाइम? आप यही एक्सक्यूज देंगे कि सर मैंने ये सीखा नहीं था बिकॉज दिस वॉज आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस था तो मैं सीख नहीं पाया था, तो अब मैं इंटीग्रेशन भी नहीं करूंगा। इसका मतलब तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा और तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। समझिएगा, मैं धीमे धीमे आज और भी सारे टॉपिकों पे बात करूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे, और भी। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज मैंने एक ट्रिग, अब इसके मैंने दो एग्जांपल दिए आपको, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ हो गया, एक इंटीग्रेशन हो गया। अभी मैं आगे जाता हूं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री पे कहा भैया कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं ना, रेशियोज ऑफ, पढ़े भी होंगे आपने, और अगर अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं बेटा, अभी 8th चैप्टर पे पहुंचोगे ना, धीमे धीमे ट्रिग्नोमेट्री सब समझ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले दिए होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। सारे नहीं लिखूंगा, कोई पढ़ाने थोड़ी आया हूं आज मैं, सारे नहीं लिखूंगा, जस्ट एग्जांपल्स के लिए लिख रहा हूं, ठीक है? ये वाले फॉर्मूले होते हैं, एक्सरसाइज भी बता देता हूं 8.3 में। बोले चलो भैया ये हट गए, अब तो बढ़िया है, अब तो हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अब जिन बच्चों को, मुझे आप एक बात बताइए कि जिन बच्चों को आईआईटी करनी है, आईआईटी फाउंडेशन तैयारी करनी है, ये सारी चीजें, उन बच्चों को 11th 12th में, जब वो बच्चा 11th में मैथ्स लेगा तो 11th में उसे ये तो पढ़ने ही है, इसके अलावा बताऊं क्या क्या पढ़ना है? 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले भी पढ़ने हैं, 180 माइनस थीटा पढ़ना है, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है? अब क्या आप वहां यही एक्सक्यूज दोगे, सर ये तो सिलेबस में था नहीं, तो ये हट गया था, तो मैं सीख नहीं पाया था, तो अब मैं क्या करूं, अब तो बड़ी परेशानी है। अब ये ना सीख पाने की वजह से हो सकता है आपको वहां पे थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये नहीं पढ़ा है तो आप वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्लीज कोई भी बच्चा इसको अदर वे में ना ले या नेगेटिव ना ले, मैं आप लोगों को कोई डरा रहा या ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूं, या मैं आपको कोई कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अरे ये आपने नहीं सीखा तो आप कुछ नहीं कर पाए। बट मैं आपको जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके फैक्ट्स हैं, उनके बारे में अवेयर करा रहा हूं सिर्फ, कि भैया आप, अच्छी बात है बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी करिए, पूरा अपना जो है 100% दीजिए। बट जो एक कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं उनकी मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि नहीं भैया ये टॉपिक तो हटा दिया, अब तो मैं इसे पढ़ूंगा ही नहीं, अच्छा रहा ये तो सिर का बोझ था, अब तो मुझे करना ही नहीं है ये चीज। बच्चों थोड़ा सा प्लीज इस, आप अपने रवैये को चेंज करिए। अगर देखिए आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप आगे कुछ और बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं हर फील्ड में, तो भैया सबसे पहली चीज तो ये कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप किसी भी टॉपिक को सोचे कि मैं इसे हटा दूं, इसका तो पता नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, छोड़िए बस मैं सिलेबस का पढ़ूं, लेकिन जब वो टॉपिक आगे जाके काम आएगा तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये नहीं सीखा बेस तो आगे के जो वो फॉर्मूले हैं उनमें भी दिक्कत आ रही है, तो इसके चक्कर में आपका वो भी खराब होगा। समझ पा रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका हटाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो बेटा अगर मान लीजिए मैं आपको अब तक बोलूं कि मैं आपको तीन कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट दे रहा हूं यहां पे, और बच्चों आप इसका एरिया निकालिए। अगर ये चीज 9th क्लास के बच्चे से बोली जाए ना तो पता है क्या करेगा वो, इसका क्या करेगा, ग्राफ बनाएगा, तीन कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करेगा कार्टेशियन प्लेन में, ज्वाइन करेगा और उसका ग्राफ हाफ बेस इनटू हाइट वगैरह से कर करके निकालेगा, जिसमें हो सकता है उसे दिक्कत भी आए थोड़ी बहुत, और शायद ना भी हो पाए या हो जाए, जो भी है, लेकिन वो ऐसे कर सकता है।
लेकिन टेंथ क्लास में इसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दे रखा है, जिसके ऊपर पूरा प्रूफ के साथ में मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी है। देखो मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बोल रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि ये सारे है नहीं, ये सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में देखिए, सब कुछ करा रखा है मैंने। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, आप जाइए वहां पे आप देखिए और आप इसको कर सकते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का विथ थ्री वर्टिसेस, आप आराम से फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्व करके दो मिनट के अंदर आंसर। तो भैया आपका ये हटा दिया है, लेकिन अगर आप इसे अब नहीं पढ़ेंगे तो आपको तो नॉलेज तो कम रह गई ना, ये कॉन्सेप्ट तो आपको आया ही नहीं कि तीन कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हो तो एक क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब ये तीसरा एग्जांपल, चौथा बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। भैया लेस देन मोर देन हो जाए हटा दिया है और आपका वो स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप आगे फर्दर स्टडीज करेंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, आप जो है बीएससी बीकॉम जो भी करते हैं, आगे जाके आप स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको क्या लगता है ये मेथड्स द्वारा नहीं लौटेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा नहीं लौटेगा या लेस देन मोर देन हो जाए? भैया ये सारे टॉपिक्स अगर आपके वहां पे लौटते हैं तो आप क्या बोलेंगे, अरे सर ये तो टेंथ में सीखा ही नहीं था, यही बस टेंथ में क्यों, क्योंकि उस साल सिलेबस से हट गया था, मैं सीख ही नहीं पाया था। तो वहां पे आपको कितनी प्रॉब्लम होगी सीखने में, होगी वैसे एक तो बर्डन होगा। बच्चों दिस इज द राइट टाइम, अभी आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आराम से घर पे आपको बहुत टाइम मिल रहा है, बहुत समय मिल रहा है चीजों को सीखने का, तो मेरे हिसाब से ज्यादा चीजों को सीखिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट हट भी गया है या कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, फॉर द शेक ऑफ नॉलेज आप उसको पूरा करिए। तो जो बच्चे हैं जो अब स्टैटिस्टिक्स में मोर देन लेस देन ओजाइव सीख नहीं रहे, स्टेप डेविएशन सीखने, कोई फायदा नहीं होने वाला, आप सीखिए, ये अच्छी बात है, आपके लिए बर्डन कम हो गया। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, ये तो कि आपका कहीं ना कहीं बर्डन कम कर दिया है, बर्डन कम हुआ है, आप बोर्ड में कम अपना जो है सिलेबस के साथ जाएंगे, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन भैया नॉलेज के लिए तो सीखते रहिए, आपके पास इतना टाइम भी है, तो आप अगर इसको, और देखिए एक वीडियो मुश्किल से 5-10-15 मिनट की होती है, एक कॉन्सेप्ट मुश्किल से 5-10-15 मिनट का, 20 मिनट का हार्डली होता है। अगर आप इनको छोटा छोटा ये टाइम जो दे करके अलग से सीख लेंगे तो आपका कोई इसमें लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों टॉपिक्स तो वैसे बहुत सारे हैं, फ्रस्टम हटा दिया। अच्छा अब एक बात बताइए, मेंसुरेशन में नाइन्थ क्लास को, अगर टेंथ क्लास की बात करें, टेंथ क्लास में फ्रस्टम है, तो टेंथ क्लास की मेंसुरेशन में फ्रस्टम को छोड़ के बाकी का पार्ट जो है वो क्या है, नाइन्थ से ही तो लिया है, नाइन्थ में जितने कोन सिलेंडर स्फीयर है वही सारे तो डाले हैं, बस एक फ्रस्टम पार्ट ऐसा था जो टेंथ में बच्चे को नया पढ़ने के लिए मिलता था। अब वही पार्ट आपने जो है नहीं पढ़ा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, हटा दिया है, तो मजा क्या रह गया कि हमने भैया मेंसुरेशन से फ्रस्टम नहीं पढ़ा था, जबकि फ्रस्टम इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो भले आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अपना, वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस सजेशन है कि भले बोर्ड से रिड्यूस हो चुका है, आप कुछ भी मत छोड़िए, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप सारी चीजों को पढ़िए, फ्रस्टम भी पढ़िए, आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़िए, आप जो है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या कोई भी टॉपिक, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा दिया है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अब आप एक बात बताइए, यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चंस हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको आप कैसे कर पाएंगे? प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर जब करते हैं ना, तब भी एक जगह आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करनी पड़ती है, शायद आपको ध्यान हो तो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कहां करनी पड़ती है, जब a इज इक्वल्स टू रूट टू या रूट थ्री बी लिखते हैं, एक c लिखते हैं जब लेके आते हैं तब भी यूज करते हैं। तो आप किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रहे, फिर उसके आगे जाके उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, देन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो प्लीज आधी अधूरी नॉलेज से अच्छा है सारी चीजों को लाइन से पढ़िए। तो बच्चों की, जब भी मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो अपना जो बैचेस में, कोचिंग्स में, ऑनलाइन में जो सेशंस मेरे चलते हैं, ऑनलाइन सेशंस ही चल रहे हैं इस समय तो सारे, तो उनमें बच्चों की यही क्वेरी रहती है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ेगी, सर क्या करें और क्या ना करें, ये कॉन्सेप्ट करना है, अगर ये नहीं करना है तो इससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं, और फिर हमें इसकी वजह से आगे वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम इसे करें या नहीं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनानी चाहिए आप बच्चों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आई होप जो आज मैंने जो
मुद्दा था जो मैं डिलीवर करना चाहता था, जो आपको मैसेज एक कन्वे करना चाहता था, शायद आपके समझ में आ गया होगा कि देखिए आप जो है सिलेबस रिडक्शन होने की वजह से किसी टॉपिक को छोड़िए, ये गलत बात है। बहुत अच्छी बात है, बोर्ड के हिसाब से आपका कम हो गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीबीएसई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आपका बर्डन कम किया है, आपका कोई कुछ लिया नहीं, आपका ही बर्डन कम किया है, ये बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई ने अच्छा किया। लेकिन आप दूसरा एक उसका और देखिए जो पहलू है कि भैया ऐसा करने से आपकी नॉलेज थोड़ी सी जो कम आ रही है, तो अब वो तो आप ही को अपने आप पूरी करनी है, वो कोई और तो आएगा नहीं उसको करने के लिए, तो उसकी भरपाई तो आप ही को खुद करनी पड़ेगी। और भैया बहुत, मैं ये ऐसा सब बच्चों के लिए नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे हैं वो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं आज भी। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली बनाई है जो बच्चे ये देख रहे हैं कि भैया ये सिलेबस से हट चुका है तो अब मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, जो सारा कुछ कवर कर रहे हैं आज भी, उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो सिर्फ सिलेबस को देख के चल रहे हैं और फिर सोचते हैं कि आगे जाके मैं IIT की तैयारी करूंगा, आगे जाके मैं जो है JEE मेंस की तैयारी, एडवांस की तैयारी करूंगा। भैया अगर आपको आगे कुछ करना है तो आप प्लीज सिलेबस में से कुछ भी ना छोड़ें। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं बोल रहा मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूं। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SST हो, इंग्लिश हो, तो आपका कुछ घिस नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पहले आप अपना बोर्ड का तैयार कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बर्डन ले लीजिए अपने ऊपर, आप बोर्ड का तैयार कीजिए पहले। लेकिन बोर्ड का आपका तैयार हो जाए बहुत टाइम है, ये तो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, अब पूरा दिन आप घर पे ही हैं इस समय बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय स्कूल्स वगैरह सारे बंद हैं, सारे बच्चे आप इस घर पे ही रहते हैं, तो अपना आराम से आपको और पहले से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो ठीक है। तो अपना बोर्ड का तैयार कर लीजिए, फिर आपको लग रहा है कि मेरे पास हाँ थोड़ा सा फ्री टाइम है, या निकालिए हाफ एन आवर डेली निकालिए, एक घंटा डेली निकालिए कि जो चीज़ें सिलेबस से हट चुकी हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा है, अब वो मुझे इस घंटे में पढ़नी है, चाहे आधा घंटे एक घंटा, वो आप अपने ऊपर, अपने कैलिबर, अपनी जो है अपनी क्षमता के ऊपर देखिए कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, तो वो निकालिए, उसमें आप उन एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखिए ताकि वो आपके आगे के काम में आएंगी, ठीक है। सिलेबस का भी पढ़िए, बोर्ड के लिए पूरा तैयार करिए एकदम ढंग से, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसे छोड़िए मत। और मैं आपके साथ हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी छूटे हुए हैं सारे के सारे आप देखिए मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ जाके देखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भैया मैं कराता रहता हूँ, वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ, करिए तो सही। तो आई होप आज का जो मेरा मोटिव था आपको समझाने का कि नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़िए, सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, चाहे कोई हटाए या नहीं हटाए, आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। बट फिर भी डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ मेरा एक सजेशन था आप लोगों को, मेरी एक एडवाइस थी, मैंने अपनी एक ओपिनियन रखी जो कुछों को अच्छी लगेगी और कुछों को खराबी लगेगी, तो जैसा भी आप चाहें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर बॉडीज, आप अच्छे से तैयार कीजिए, कोई भी दिक्कत है कमेंट्स करते रहा करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए उसी के ऊपर वीडियोज लाता रहूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड कराऊंगा। बाय बाय।